हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग रूटीन व्लॉग। तो बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस शुरू होते ही हमारी अर्ली मॉर्निंग कुकिंग भी वापस आ गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 बजे जैस्मिन निकल जाती है और उससे पहले पहले मुझे उसके 2 टिफिन रेडी करने होते हैं। और आप सभी ये भी जानते हैं कि कुकिंग स्टार्ट करने से पहले खुद को एनर्जाइज करने के लिए मैं प्राणायाम करती हूँ। देन ब्रेकफास्ट और लंच सब काम खत्म करने के बाद होती है स्टफी के साथ वॉक। वॉक पे निकलो तो बहुत ही ड्राई हवा स्किन को टच करती है, और वैसे भी उम्र हमारी कोई भी हो, इस सर्दी के मौसम में स्किन का ख्याल एवरेज से थोड़ा ज्यादा ही रखना पड़ता है। तो मैं इस बात का खास ख्याल रखती हूँ कि सुबह होते ही सबसे पहले अपनी स्किन को हाइड्रेट कर लूँ। विंटर्स में स्किन इतनी ड्राई हो जाती है, इस ड्राइनेस को निकालने के लिए, स्किन को स्मूथ बनाने के लिए कोल्ड क्रीम जितना काम करती है उतना कोई दूसरी क्रीम नहीं करती। लेकिन कई बार कोल्ड क्रीम लगाने से स्किन पे चिपचिपाहट सी होने लगती है और कॉम्प्लेक्शन भी काफी डार्क लगने लगता है। बट इस विंटर मैंने ट्राई की है मामा अर्थ की विटामिन सी नरिशिंग कोल्ड क्रीम, जो स्किन पे स्टिकी बिल्कुल नहीं होती, एकदम से अब्सॉर्ब हो जाती है। विटामिन सी और हनी से बनी ये कोल्ड क्रीम हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट करती है। विटामिन सी स्किन के नेचुरल रीजनरेशन प्रोसेस को स्पीड अप करता है, जो स्किन को एक हेल्दी ग्लो देता है। हनी ड्राई स्किन से फाइट करते हुए स्किन को स्मूथ बनाता है। इसके अलावा इसमें ऑलिव ऑयल और साथ ही ऑर्गेनिक लेमन ऑयल भी है। ऑलिव ऑयल जहां स्किन को डीपली नरिश करते हुए एसेंशियल मॉइस्चर को लॉक करता है, वहीं लेमन ऑयल में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं, जो स्किन की इम्प्योरिटीज को क्लीन करता है। ये इंडिया की फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड कोल्ड क्रीम है। इसके अलावा आप टर्मरिक और सैफरन से बनी उपटन नरिशिंग कोल्ड क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैस्मिन इस विंटर अपनी स्किन की केयर कर रही है मामा अर्थ की कोको नरिशिंग क्रीम से, जो बनी है कॉफी एंड विटामिन ई से। ये सर्टिफाइड कोल्ड क्रीम्स नॉन टॉक्सिक हैं, यानी कि इसमें किसी भी तरह के कोई भी हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि पैराबेन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई ये क्रीम्स डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड हैं। इन तीनों क्रीम्स को आप नायका, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्रीम्स आपको मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल ऐप से भी मिल जाएंगी। एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम मामा अर्थ, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री। 2025 तक मामा अर्थ का टारगेट 1 मिलियन ट्रीज लगाने का है। मेरा कूपन कोड shapeup2021 का यूज करके 20% डिस्काउंट पा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। विंटर्स की जो सुबह होती है ना, वो हमें कई बार लेजी करने की कोशिश करती है और हमारा उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता। लेकिन उसी वक्त दिमाग में अगर ये आ जाए कि हम कुछ ऐसा मिस कर देंगे जो नींद से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो फिर उसके बाद नींद नहीं आती। और आप अपनी नींद की वजह से अपनी पढ़ाई मिस कर रहे हैं, अपनी सेहत मिस कर रहे हैं या और कोई ज़रूरी काम, वो आपको पता होगा। कुछ साल पहले तक मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ कि रात को सोच के सोती कि सुबह जल्दी उठूंगी, लेकिन उठा नहीं जाता। लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे प्राणायाम करती गई और प्राणायाम को मिस करने का जो गिल्ट है, वो पूरा दिन मुझे झेलना पड़ता लेट उठने की वजह से। अब तो बस क्या ही कहना, प्राणायाम की ऐसी लत लगी है कि दुनिया की कोई भी चीज़ अब मुझे सुबह जल्दी उठने से रोक नहीं पाती। खैर, आज की वीडियो ये नहीं है कि सुबह कैसे जल्दी उठा जाता है, आज की वीडियो है मेरी कुकिंग रूटीन। प्राणायाम कर चुकी हूँ, नींबू पानी भी पी चुकी हूँ, आपको नहीं दिखाया क्योंकि आप तंग आ गए हैं देख देख के। और ये बात भी आप खूबी जानते हैं कि मेरा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ बनते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूँ मैं गोभी के परांठे, विंटर्स का मेवा है ये, बहुत अच्छे लगते हैं हम सबको परांठे सर्दियों में। और लंच में बना रही हूँ ब्लैक चना, रात को भिगो दिए थे तो प्रेशर कुकर में थोड़ा सा नमक डाल के पानी डाल के उनको चढ़ा दिया है। परांठे खस्ता बने उसके लिए डो अलग से रेडी कर लेती हूँ, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के। थोड़ी देर उसे गूंद के साइड रख दिया, उसके बाद हम गोभी क्रश कर लेते हैं। अच्छा, वैसे तो हम गोभी के परांठे गोभी को क्रश करके उसमें मसाले डाल दिए, धनिया डाल दिया, प्याज डाल दिया, सब कुछ डालने के बाद ऐसे ही उसकी फिलिंग और रोटी में फिल करके उसके परांठे बना लेते हैं, वो भी बहुत बढ़िया बनते हैं। लेकिन अगर आप उनको इंस्टेंटली बना लें तो ठीक है, गोभी अपना पानी छोड़ना शुरू कर देती है और उसके बाद परांठों में से फिलिंग निकलना शुरू हो जाती है। जैस्मिन ने परांठे अभी लेके जाने हैं, लेकिन बाकी सारी फैमिली के लिए 2 घंटे के बाद बनेंगे। अगर गोभी को क्रश करके उसका मॉइस्चर सुखा लिया जाए तो उस फिलिंग को आप कभी भी यूज कर सकते हैं। इस गोभी के परांठे में भी चीजें कुछ अलग से नहीं जाएंगी, मसाले सारे वही जाएंगे लेकिन कुछ अलग तरीके से। मतलब चॉप कर लीजिए बहुत बारीक बारीक लहसुन, साथ में अदरक, हरी मिर्च को काट लीजिए बिल्कुल बारीक बारीक। मेरी चॉपिंग स्पीड के बारे में आप लोग कई बार पूछा करते हैं, तो इसके लिए मैंने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, बस ऐसे ही करते करते अपने आप स्पीड बनती गई। तो कोई भी ऐसा काम जिसे आप करना चाहते हैं, करना शुरू भी करते हैं, लेकिन क्योंकि आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है फिर आप बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो फिर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप उसमें सक्सेसफुल ना। बात सिर्फ किचन में चॉपिंग स्पीड बनाने की हो या फिर दुनिया का कोई भी मुश्किल काम,
हम हारते तब तक नहीं है जब तक हम हार नहीं मान लेते। तो देख लीजिए, बातों बातों में पराठा की फिलिंग भी रेडी हो चली। बर्तन में सिर्फ एक चम्मच तेल डालना है, उससे ज़्यादा नहीं, और उसके साथ डाल देंगे पहले हम गार्लिक, उसके बाद अदरक और हरी मिर्च। साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, चाहे नहीं डालना चाहें तो प्लीज़ मत डालें। उसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें क्रश की हुई गोभी। तो गोभी का हमें जस्ट मॉइस्चर सुखाना है, बहुत ज़्यादा पकाना उसे नहीं है, तो 4 से 5 मिनट लगेंगे उसका मॉइस्चर सुखाने में। तो बस उसके बाद हमने सीजनिंग डाल देनी है, नमक डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया और साथ में गरम मसाला पाउडर डाल दिया। तो फिलिंग को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है और चने बॉयल हो चुके हैं, यानी कि एक विसल आने के बाद आपने लो फ्लेम पे 20 मिनट चने बॉयल करने हैं। बस स्टीम को अपने आप निकलने दीजिए। तो पराठा और रोटी तो हम थोड़ी देर रुक के बनाएंगे, लेकिन चने को तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने से पहले कुछ पाउडर मसाले जिनको पानी में डिप कर देना ज़रूरी है, थोड़ी देर में ये मसाले फूल जाएंगे फिर हम इनका यूज़ करेंगे। तो इस कटोरी में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, देगी मिर्च का पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, धनिया और जीरा पाउडर डाला है। पानी डाल के इसे मिक्स कर देना है और साइड रख देना है। बर्तन भी मैं साथ के साथ करती जाती हूँ, अदरवाइज जब तक काम खत्म होता है तो पूरी सिंक भर जाती है। तड़के के लिए जिंजर गार्लिक को मैंने ऐसे ही बारीक बारीक काट लिया, लेकिन प्याज को मैं चॉपर में क्रश कर रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी बारीक प्याज चाहिए। चाहे तो आप इसका पेस्ट बना के भी यूज़ कर सकते हैं। आई नो कि ब्लैक चने बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप सब भी बनाते ही हैं। मसाले भी हम सभी ऑलमोस्ट सेम ही यूज़ करते हैं, पैटर्न हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंट, लेकिन क्योंकि मैं आज कुकिंग रूटीन शेयर कर ही रही थी तो जो बना रही थी वो आपके साथ शेयर कर दिया। तो सबसे पहले बर्तन में तेल, उसके बाद उसमें कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ता, बड़ी इलायची डाली है, साथ में 2 लौंग डाले हैं, 2 छोटी इलायची डाली है, साथ ही डाल दिया है जीरा। मसालों की थोड़ी खुशबू आने दीजिए, उसके बाद इसमें डाल दीजिए बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और साथ ही डाल देंगे प्याज। अच्छा, प्याज को इसमें प्रॉपर ब्राउन होने देना है, प्याज अच्छे से भुन जाए उसके बाद हमने डालने हैं वो मसाले जो हमने पानी में सोख करके रखे हैं। आधा का मिनट इसे भी चला लीजिए, उसके बाद डाल देंगे इसमें टमाटो प्यूरी। ये मार्केट वाली टमाटो प्यूरी नहीं है, बस घर में पड़े हुए टमाटरों को ग्राइंड करके उसकी प्यूरी बना ली, बस उसी का यूज कर रही हूँ। अब टमाटरों को अगर अच्छे से पकाना हो तो कम से कम 10 मिनट लगते हैं, तो उन्हें पकने देते हैं। और परांठों की जो फिलिंग हमने ठंडी करने के लिए रखी थी वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, अब उसमें हम डालेंगे हरा धनिया। तो हरा धनिया डाल रही हूँ मैं पूरी ही फिलिंग में, लेकिन बारीक कटा हुआ प्याज सिर्फ उतनी ही फिलिंग में डालूंगी जितने परांठे मुझे जैस्मिन को बना के देने हैं, क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ता है। तो बाकी की फिलिंग में हम प्याज तभी डालेंगे जब हम परांठे बनाना शुरू करेंगे। तो टमाटर काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं, अब ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप बॉयल आलू भी डाल सकते हैं, या फिर मैंने कुछ चने ले लिए हैं उनको मैंने ग्राइंड कर लिया, तो सबसे पहले वो इसमें डाल दिए, उसके बाद जो बाकी के चने हैं वो भी हम इस मसाले में डाल देंगे और अच्छे से कम इनको 10 मिनट और पकने देंगे। और तड़के के साथ जब चने उबल रहे हों उसी वक्त इसमें आप कसूरी मेथी डाल सकते हैं, देसी, एक बड़ा चम्मच देसी घी का डाल दीजिए, और भी टेस्ट इसका बढ़ जाए, मतलब वो आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करें। तो चलिए, रोटी परांठा ऑलमोस्ट तैयार हैं, चने भी तैयार हैं, जैस्मिन के टिफ़िन के लिए भी और हमारे लंच के लिए भी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। एंड में इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा गरम मसाला, और सब्जी तैयार होते ही मैं उसे कैसरोल में डाल देती हूँ, लेकिन इसमें भी 4 से 5 घंटे ही गर्म रहती है, जब तक हमारा लंच टाइम होगा उस वक्त हमें थोड़ा सा इसको और गर्म करना ही पड़ेगा। अगर लंच में 10-11 बजे के अराउंड तैयार करूँ तो फिर तो लंच के टाइम तक ये गर्म रह जाती है। अब ये तो लंच काफ़ी अर्ली रेडी हो गया है, तो कैसरोल बेचारा भी क्या करेगा। तो लीजिए, हमने बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे सब कुछ रेडी कर दिया है। आज मैं 4:30 बजे उठ गई थी, वैसे भी आज चने बनने थे और शूट भी करना था, तो शूट करते करते जब मैं कुकिंग करती हूँ ना तो टाइम और ज़्यादा लगता है, फिर भी हम वक्त पे हैं। और यहाँ मम्मा न्यूज़ पढ़ते हुए हरनाज की मिस यूनिवर्स। इकलौते भाई हरनूर ने माँ को फोन कर रोते हुए कहा, हरनाज ने फट्टे चक दिते।
हमारा प्राउड। कुलदीप जी सुबह 4 बजे के घर से बाहर होते हैं और वापस आते ही उन्हें बहुत तेज भूख लग जाती है। अपना वर्कआउट खत्म करते करते कभी कभार अगर मैं थोड़ी लेट हो जाऊं तो प्लेट लेके किचन में खड़े हो जाते हैं कि जल्दी से खाना दे दे, बहुत तेज भूख लग। इसलिए जैस्मिन के टिफिन के बाद सबसे पहले ब्रेकफास्ट कुलदीप जी को ही दिया जाता है। बाकी सब भी ऑलमोस्ट इसी टाइम ही नाश्ता कर लेते हैं और मेरा काम जल्दी खत्म हो जाता है। मम्मा पापा के टाइम में और तरह की चीजें थी, हमारे टाइम में और तरह की होगी, तुम्हारा टाइम आया तो चीजें और अपग्रेड हो गई। मेरे पास एक हाउसकीपर होता, मेड नहीं, हाउसकीपर जो घर का सारा काम करता है। एक बंदे के बस का नहीं होता पूरे काम को मैनेज करना, इट्स क्वाइट टफ। उसका मेरा ध्यान रखना, उसका काम वो बोलो आप, वो डिफरेंट चीज। आपका पर्सनल कोई असिस्टेंट? इयर्स एंड इयर्स द ओनली टारगेट दैट ह्यूमन काइंड हैज हैड, एक टारगेट जिसने सारे कल्चर्स रेसेस हर ह्यूमन को ऑन द वर्ल्ड एक रखा है, वी वॉन्ट इट टू बिकम इजियर। हम अपनी मेमोरी को खुद ही खत्म कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पूरी तरह से मशीन के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। नो, हम मेमोरी को खत्म नहीं कर रहे हैं, वी आर चूजिंग टू डू मोर इम्पोर्टेंट टास्क नाउ। अब मेरी प्रायोरिटी एक फोन नंबर याद रखना नहीं है, मेरी प्रायोरिटी है कोड्स बनाना नए AI सॉफ्टवेयर के लिए। ओह माय गॉड, ये जनरेशन गैप कभी फिल नहीं हो सकता। ब्रेकफास्ट के बाद जब दोबारा किचन में मेरी एंट्री होती है तब दोपहर का 1 बज चुका होता है। सब्जी तो चलो सुबह रेडी हो गई, अब उसके साथ चावल खाए जाएंगे, चपातियां खाई जाएंगी, वो बनेंगे इस टाइम गरम गरम। तो काले चने के साथ अगर चावल इस तरह से बना लिए जाएं कि उसमें थोड़ा सा तेज पत्ता डाल दें, थोड़ा सा जीरा डाल दें, लंबा लंबा कटा हुआ प्याज डाल दें, टमाटर डाल दें, तो राइस और चने का स्वाद ही डिफरेंट हो जाता। मतलब आप चाहें तो चावल बिल्कुल सिंपल बना सकते हैं, दही में थोड़ा फ्लेवर दे दीजिए, सैलड में थोड़ा फ्लेवर दे दीजिए। ऑब्वियसली वो पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मैं सैलड और दही आज दोनों बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ। चावल में थोड़ा सा फ्लेवर दे दिया है और चने तो है ही मसाले वाले, तो मेरे हिसाब से तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेट है। अगर सभी चीज़ों में हम अलग अलग तरह का फ्लेवर डाल देते हैं तो किसी एक चीज़ का भी टेस्ट प्रॉपर नहीं आ पाता। इंडिया में हमारे घरों में इतनी ज़्यादा कुकिंग की जाती है कि एक वक्त का खाना ख़त्म होता है तो दूसरे वक्त की तैयारी शुरू हो जाती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डिनर की तैयारी शुरू कर दी है, साबुत मसूर की दाल को धो के सोक कर दिया है, रात को बना रही हूँ वेज कीमा। और लीजिए आ गया है इवनिंग टी टाइम। वीक में 4 बार टी टाइम पे स्नैक्स बनते हैं और 3 दिन हम लोग सिर्फ बिस्किट नमकीन लेते हैं, और जिस दिन मैं टी के साथ स्नैक्स ले लेती हूँ डिनर स्किप कर देती हूँ। अपने ईटिंग पैटर्न, अपने एक्सरसाइज पैटर्न अगर हम चेंज करते रहें तो बॉडी को शॉक मिलते रहते हैं और परेशानी में हमारी बॉडी अच्छा परफॉर्म करती है। अब खमन ढोकला में तो ऐसा कुछ नहीं जिसे बताया जाए कि इसे कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी बेसन में सिर्फ आपने नमक डालना है, थोड़ी सी चीनी डालनी है, हल्दी डालनी है, नींबू का जूस डालना है, पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रूट सॉल्ट जो हम डालते हैं उसको थोड़ा सा ऑयल में मिक्स करके डालें तो वो बेसन में जाके एकदम से रिएक्ट नहीं करता, और ज़रूरी है कि वो स्टीमर में पहुंचने के बाद ही रिएक्ट करे, उससे हमारा ढोकला जो है वो काफ़ी स्पॉन्जी बनता है। और दूसरी साइड तैयार करके रख लीजिए खट्टा मीठा पानी जो हम ढोकला के ऊपर डालें। तेल में थोड़ी सी राई, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, हरी मिर्च डाली है काट के, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और पानी। लो फ्लेम पे 3-4 मिनट बॉयल होने दीजिए। तो चलिए ये तो बॉयल हो जाएगा, साथ ही अपनी चाय भी चढ़ा लेते हैं क्योंकि जब तक चाय बनेगी तब तक ढोकला तैयार हो ही जाएगा। तो चाय में मैंने क्या क्या डाला है अगर नहीं बताऊंगी तो आप मुझे फिर से पूछेंगे कि चाय में मैंने क्या क्या डाला था। तो चाय में कड़ी पत्ता डाला है और जो चाय मसाला हमने बना के रखा है वो डाला है, और साथ ही इसमें अजवाइन डाली है, अदरक डाला है थोड़ा सा कुटा हुआ। क्या चाहिए? बस बोल नहीं सकता, बोल बता तो मैं सब कुछ देता हूँ, है ना? वो देखो इस ड्रॉर में इसकी ना ट्रीट्स होती हैं। क्या चाहिए तेरे को भाई?
जैस्मिन जिम के लिए तैयार है, उदय की आज एब्सेंट लग रही है क्योंकि उदय बना रहा है अपनी प्रैक्टिकल फाइल और जैस्मिन वो तुझे बोलता है वो तुझे बोलता क्या, मैं दो दिन नहीं गई। वो कहता है चार महीने में मम्मा मेरी गिन सकते हो आप छुट्टियां इतनी कम ली हैं। सुबह से तो मस्ती कर रहा था ये तो मैं मानती हूँ, सुबह से तो उसकी मस्ती हो रही थी पर आज अभी इतना मना रही थी ऊपर खड़ा के था दीदी मैं डिसाइड कर चुका हूँ मैंने मन बना लिया क्या आज मैं नहीं जाऊंगा। तभी मेरे को बोल रहा है मैंने उसको बोला मैं कि एक घंटा चलते हैं सिर्फ 8 बजे वापस आ जाएंगे, कहता नहीं आज उसने मन बना लिया कि नहीं जाना है जिम। तो वो कैसे बात, डू यू नो क्या होता है जिम। बाय बाय। अब देख लो आप लोग मेरी तरह ही आप लोग भी दिन में इतना ही खाना बनाते हैं, तो ये है आज का लास्ट खाना। वेज कीमा के लिए पानी में थोड़ा सा नमक डाल के सोया चंक्स को उसमें बॉईल कर लेना है। उसके बाद उन्हें अच्छे से निचोड़ के उन्हें ग्राइंड कर लीजिए या फिर हाथों के साथ ही उन्हें अच्छे से मैश कर लीजिए। वैसे हाथों के साथ ही मैश कीजिएगा, भूनने में आसानी रहेगी। देसी घी में सोया चंक्स का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से भूनना है, जिसे भूनने के लिए हमें कम से कम भी 10-12 मिनट लगेंगे। और भूनते वक्त ये बर्तन के साथ चिपके नहीं, तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही। लेकिन दही में सबसे पहले हम डालेंगे कुछ पाउडर मसाले जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। अब सारे मसालों का फ्लेवर दही में आ जाएगा और दही के थ्रू चला जाएगा ये इस पेस्ट में। इसे डालने से इसे भूनने में भी आसानी रहेगी। और अब तब तक इसे भूनते रहिए जब तक ये ऑलमोस्ट ड्राई ना होने लगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे वो साबुत मसूर की दाल जो हमने दोपहर को सोक कर दी थी। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे क्रश की हुई फूल गोभी और एक कटोरी में फिर से थोड़ा सा दही, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, बस उसे मिक्स करके दोबारा से इसमें डाल दीजिए क्योंकि दाल और गोभी का भी अच्छे से भुन जाना जरूरी है। बस अब तो बहुत ही आसान है, जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता इसे भूनते रहिए। इस सब्जी को बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन भूनने में जो टाइम लगेगा बस वही टाइम आपका ज्यादा लगेगा। उसके बाद हम इसके लिए एक छौंक रेडी करेंगे बिना प्याज, बिना अदरक और बिना लहसुन का। तड़का भी लगाएंगे हम देसी घी में। देसी घी में डाला है छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 2 डाली है छोटी इलायची। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें जीरा और साथ ही डाल देंगे पाउडर मसाले जैसे कि हल्दी डाली है, देगी मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। बस उसके बाद कुछ टमाटरों की प्यूरी बना के वो इसमें डाल देनी है। टमाटर थोड़े से पक जाएं उसके बाद जो कीमा हमने भून के रखा है वो भी इसमें डाल देंगे। 5-7 मिनट इसे इसमें पका ली और बस आपका बहुत ही ज्यादा स्वाद वेज कीमा तैयार है। धनिया के साथ गार्निश कीजिए और इस वेज कीमा की खुशबू ने स्टफी को भी अट्रैक्ट किया है। तो ये रहा वेज कीमा और ये रहा स्टफी। हम सबके लिए कुक करने के अलावा स्टफी के लिए कुक करना और 3 स्ट्रीट डॉग्स जो बाहर है उनके लिए कुक करना भी मेरा कुकिंग का ही पार्ट है। ये थी मेरी फुल डे कुकिंग रूटीन, आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।